अबोहर के बहुचर्चित भीम टांक हत्याकांड में फाजिलका की एडीजे कोर्ट ने शिवलाल डोडा, अमित डोडा समेत 24 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने एक अभियुक्त हैप्पी को बरी कर दिया है। एक दोषी विक्की विज को 4 साल की सजा सुनाई गई है। भीम टांक के परिजनों ने दोषियों को मौत की सजा की मांग करते हुए हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही है। अदालत में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर सुरेंद्र पाल सिंह तिन्ना ने बहस की। भीम टांक की 12 दिसंबर 1915 को हनुमानगढ़ रोड पर स्थित शिवलाल डोडा के फार्म हाउस में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। भीम टांक के एक अन्य साथी गुरजंट सिंह जंटा को बुरी तरह से घायल कर दिया गया था। शिवलाल डोडा घटना के समय दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में अपनी शादी की सालगिरह मना रहे थे। इसी आधार पर शिवलाल डोडा और अमित डोडा अपने को इस मामले में निर्दोष बता रहे थे, लेकिन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसपाल वर्मा ने शिवलाल डोडा और अमित डोडा को हत्या का मुख्य साजिशकर्ता मानते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 120B के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने माना कि वारदात को अंजाम देने के लिए शिवलाल डोडा का फार्म हाउस और गाड़ियां प्रयोग में लाई गई थी, लेकिन अदालत ने इसे दलित उत्पीड़न का मामला नहीं माना है। शिवलाल डोडा अबोहर के बस स्टैंड पर बर्फ बेचने का अड्डा चलाता था। 1985 में शिवलाल डोडा एक व्यक्ति को बर्फ तोड़ने वाला सुआ मारकर फरार हो गया था। वर्षों बाद शिवलाल डोडा अबोहर में शराब कारोबारी के रूप में वापस आया। 2012 के विधानसभा चुनाव में आजाद उम्मीदवार के रूप में शिवलाल डोडा ने कांग्रेस के सुनील जाखड़ को कड़ी टक्कर दी थी। शिवलाल डोडा को अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल के करीब समझा जाता है। भीम टांक के परिवार ने एडीजे कोर्ट के फैसले पर असंतोष जताया है। भीम टांक की माता कौशल्या देवी ने दोषियों को मौत की सजा दिलाने के लिए हाई कोर्ट में जाने की बात कही है। भीम टांक की हत्या में हुई बर्बरता की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया में हुई थी। वारदात की रात अबोहर में हिंसा भड़क गई थी और शिवलाल डोडा के कई शराब के ठेकों को आग लगा दी गई थी। देश की संसद में भी भीम टांक की हत्या की गूंज सुनाई दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पंजाब सरकार ने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर सुरेंद्र पाल सिंह तिन्ना को बहस करने के लिए फाजिलका भेजा था। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इस पूरे मामले में अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।